कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह शेरा ने कहा, ईवीएम मशीन को लेकर देश में बड़ा आंदोलन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, निष्पक्ष चुनाव के लिए देश में अब सारे चुनाव बैलेट पेपर से ही करवाए जाएं। ईवीएम मशीन को लेकर कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह शेरा ने कहा कि ईवीएम मशीन के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में किया जाना चाहिए। दिल्ली में सबको एकत्रित होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन और पार्लियामेंट को घेरना चाहिए और अपनी बात सबके सामने रखना चाहिए। जब पूरा देश कह रहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, तो ऐसा क्यों बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होने दिया जा रहा? जब भाजपा कहती है कि अब की बार 400 पार, तो फिर क्यों बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराए जा रहे? सुरेंद्र सिंह शेरा ने कहा कि जिन्होंने कांग्रेस का विरोध किया है, उन्हें हटाया जाना चाहिए। मैं नहीं बड़ा आंदोलन करूंगा। हम चाहते हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे आदरणीय जीतू पटवारी साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब के नेतृत्व में देश में एक आंदोलन होना चाहिए। कॉल करने से दिल्ली हम सब जाएंगे और वहाँ पर सब इकट्ठा होके इलेक्शन कमीशन को घेरना चाहिए और पार्लियामेंट को घेरना चाहिए और अपनी बातों को मंजूर कराना चाहिए कि जब देश का अंतिम व्यक्ति ये बोल रहा है कि बैलेट से वोटिंग हो, तो क्यों नहीं बैलेट से वोटिंग कराते हैं? जब सामने वाले बीजेपी के नेता बोलते हैं कि अब की बार 400 बार, जब इतना आपको विश्वास है तो करा लो बैलेट से वोटिंग। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।